Hello guys, welcome to this channel. In this video I'm going to show my week of training for both running as well as muscle building at home. फिटनेस एक जर्नी और इसके बहुत ही सारे डायमेंशन हैं, तो मैं इसे बस मसल बिल्डिंग में ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता. इन दिस ईयर माई गोल इज टू पार्टिसिपेट इन अ मैराथन, बट इन दिस प्रोसेस आई डोंट वॉन्ट टू लूज टू मच ऑफ मसल, सो इट्स पॉसिबल, लेट्स सी. तो आज का वीक स्टार्ट हो गया. कल हाफ मैराथन कम्प्लीट किया था, अभी लेग्स थोड़े से सोर हैं तो आज थोड़ा रिकवरी में ध्यान देंगे और देन अपर बॉडी वर्कआउट लगाएंगे जिसमें हम चेस्ट ट्रेन करेंगे. अपने सीनियर्स के स्टैट्स देख के, उनका पेस देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है. जिन्हें मैंने स्टेरबा में फॉलो किया है उनको देख के लगता है कि जस्ट अभी तो हम इमेच्योर हैं, बट हर किसी ने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया था. हर किसी की कोई ना कोई कंडीशन होती है, तो अपनी भी है. तो चैलेंज करेंगे, ट्रेन करेंगे और ग्रो करेंगे. तो मेरी एक YouTube वीडियो में कमेंट किया था कि भैया आपको थकान नहीं होती, तो इसका आंसर है यस, थकान सबको ही होती है. तो इसीलिए ये रिकवरी डे का हमारा वर्कआउट है जिसमें हम अपने स्ट्रेचिंग कर रहे हैं ताकि मसल्स रिलैक्स हो जाए और उनमें ब्लड फ्लो आ जाए. और हर किसी का अपना फिटनेस का एक लेवल होता है, जैसे कि मुझे ट्रेन करते हुए कम से कम 5 to 6 years हो चुके हैं. मुझे याद है जब मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करी थी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो मैं होम वर्कआउट करता था और मुझे स्टार्टिंग में इतनी टायर्डनेस होती थी, बट आई नेवर गिव अप. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आज 10 पुशअप लगाए, कल 15 पुशअप लगाए, नेक्स्ट डे थक गए हैं तो रेस्ट करें, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग को मोल्ड करें, बट फिटनेस की जर्नी को कभी रोकना नहीं. तो अपना स्ट्रेचिंग के बाद हमने चेस्ट का वर्कआउट किया. एज आई एम ऑलवेज ऑन अ रश बिकॉज इसके बाद मुझे ऑफिस के लिए जाना होता है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 minutes होते हैं अगर मैं टाइम मैनेज करके चलता हूँ. इज़ द डे टू ऑफ ट्रेनिंग लाइक ए हैबिट एथलीट. तो आज हमारा फोकस भी अपना रिकवरी पे ही होगा, जिसमें हम आज अपने कोऑर्डिनेशन पे वर्क करेंगे लेग्स के, जिसमें हम लेग्स के ड्रिल करेंगे. देन उसी के बाद हम चेंज कर देंगे अपना वर्कआउट, जिसमें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे. हम आज डेडलिफ्ट्स लगाएंगे. डेडलिफ्ट में कोशिश करेंगे कि कंट्रोल्ड वे में हैवी जाए. तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 months हुए जो मैंने रनिंग को अपनी ट्रेनिंग में इनकलकेट किया है. तो ये कुछ ड्रिल्स हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. इसके बाद हमने डेडलिफ्ट करा. एज माय स्ट्रेंथ हैज़ ड्रॉप डाउन तो मैं उतना वेट नहीं पिक कर पा रहा, बट ट्रेन अच्छा हो रहा है. जैसे कि माय बॉडी इज़ गेटिंग यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वर्कआउट, तो अब धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है. बट आई कैन गेस कि मेरी स्ट्रेंथ अभी 60 to 70% है जो मेरी स्ट्रेंथ पहले थी. तो रनिंग और स्ट्रेंथ दोनों एक साथ एक लेवल में नहीं चल पाते, तो आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है. आज के वर्कआउट में थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा होने वाली है. सबसे पहले हम करेंगे स्पीड वर्कआउट, जिसमें हम स्प्रिंट्स लगाएंगे. स्प्रिंट्स 100 meters के, 100 meter का अपना सेट होगा और उसके 16 सेट्स लगाएंगे स्प्रिंट्स के. देन उसके बाद हम अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे. स्ट्रेंथ में आज हम अपने लेग्स के लिए स्क्वाट्स करेंगे. अब क्या होता है, जैसे कि हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, लाइक लॉन्ग रन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी एक पेस के यूज से हो जाती है. तो उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए हमने स्प्रिंट का सेशन लगाया है ताकि
हमारी बॉडी यूज टू हो जाए मैराथन में भी पेस निकालने के। 16 सेट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर, बट द गुड थिंग इज इसके बीच में इंटरवल में हम रेस्ट ले रहे हैं जिससे हमारी रिकवरी अच्छी हो रही है। बचपन के दिन याद आ गए जब हम तेज भागा करते थे, बट एज वी आर गेटिंग ओल्डर हमने ये सारी हैबिट्स छोड़ दी है। मुझे अपना कोर बिल्कुल फील हो रहा था, उधर से भी स्ट्रेंथ आ रही थी और मेरा जो हिप मसल है वो मुझे पुश कर रहा था हाई स्पीड के लिए। इसके बाद हमने लेग्स में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, हमने बेयर फुट ही स्क्वाट लगाए बिकॉज बेयर फुट स्क्वाट करने में एक अच्छा ग्राउंड से फील आ रहा था। धीरे धीरे वो पहले वाली स्ट्रेंथ वापस आ रही है, बट उस लेवल की मुझे पता है उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, बट आई एम हैप्पी बिकॉज मेरे गोल्स डिफरेंट हैं। बल्कि स्क्वाट सेशन के बाद अभी लेग्स हैवी फील हो रही है। एक्चुअल में ये टेम्पो रन आज नहीं करना है, ये कल का प्लान था, बट आज थोड़ा डिले हो गया तो टेम्पो रन करना पड़ रहा है। बट कल की रिकवरी अच्छी नहीं हुई तो लेग्स में लैक्टिक एसिड बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अभी ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है इसी में रन करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी टायर्डिंग है और मेंटली टफ है। आके हमने होम शोल्डर वर्कआउट किया जिसमें हमने मूवमेंट में प्रायोरिटी दी। इट्स नॉट दैट ईजी कि आप अपना रनिंग भी मेंटेन करें और अपना मसल्स भी मेंटेन करें, बट अब ये जर्नी स्टार्ट करी है तो इस जर्नी में चलना है। आज बहुत ही ज़्यादा ईजी पेस, मतलब जॉगिंग भी कह सकते हैं, फिर जॉगिंग से भी कम उतनी पेस में रन कर रहे हैं। द एम इज़ टू रिकवर, बट ये पेस भी इजी नहीं होता क्योंकि इसमें जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो ज़्यादा है ग्राउंड में, तो मसल्स ज़्यादा अच्छी तरह से एक्टिवेट हो पा रहे हैं। इजी पेस है, एक घंटे तक सस्टेन करेंगे, देन उसके बाद अपना बाइसेप्स वर्कआउट। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, जॉब प्रेशर, बट फिटनेस एक ऐसा मीडियम है जहां आप अपना स्ट्रेस डाइवर्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी में लगा सकते हैं। एट लास्ट आप पैसा कमा लेंगे, बट आप हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो पैसे को स्पेंड कैसे करेंगे। आज अबाउट एन आवर हमने वॉक कर लिया है, तो ये एक तरीके से रिकवरी डे था लेग्स के लिए। तो रिकवरी डे में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, या फिर वॉक कर लेते हैं या फिर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो ऐसे होती है हमारी रिकवरी। रिकवरी डे का मतलब ये नहीं है कि आप रिकवरी डे है तो घर में बैठे और लेटे रहिए, ये रिकवरी डे नहीं होता हमारी। रिकवरी डे इज़ लो इंटेंसिटी बिल्कुल ही, जिसमें मसल में थोड़ा सा ब्लड फ्लो मेंटेन ही रहे। अब इसके बाद हम अपर बॉडी का वर्कआउट करने जा रहे हैं जिसमें हम ट्रेन करेंगे बेंच प्रेस चेस्ट में। वॉकिंग के बाद हमने बेंच प्रेस लगाया। बेंच प्रेस लगाने में हमें स्ट्रेंथ अच्छी फील हो रही थी क्योंकि वॉकिंग में इंटेंसिटी बिल्कुल ही कम थी। अभी बेंच प्रेस
थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज एक पॉइंट वो नहीं मिल पा रहा स्टेबिलिटी का जहाँ से हम पुश करते थे। धीरे धीरे लर्न करेंगे और इस एक्सरसाइज में एक्सेल करेंगे। तो इट वॉज डिसाइडेड कि हम 30 किलोमीटर अटेम्प्ट करेंगे, बट जो अभी का सिनेरियो लग रहा है ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस, वी डिसाइडेड कि ये जो लैप होगा ये हमारा लास्ट होगा। दैट मीन इट विल बी अराउंड 18 और समथिंग। तो ये भी एक अच्छा लेसन है कि बैड कंडीशन में, हॉट वेदर में कैसे मेंटली अपनी बॉडी को और माइंड को स्टेबल करें ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। इन ट्रेनिंग इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप पुश करो अपनी लिमिट्स को। तो ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग की तरह ही लेके चलना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यू इट फॉर longer period of time. क्यों सर? बिल्कुल, एंड वी गॉट आर रेस नेक्स्ट वीक एज वेल, सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड थोड़ा सा आराम से लेना पड़ेगा आज। हाँ, तो आज का भी डे इधर फिनिश करेंगे, सो कीप मूविंग। या